रेडी। सभी को आदाब। आज हमारे सीपी साहब श्री के श्रीनिवास रेड्डी साहब आईपीएस और साउथ ईस्ट जोन के डीसीपी मैडम श्रीमती जानकी आईपीएस मैडम और एडिशनली सीपी साहब हमारे एसीपी साहब के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आज चंद्रयान गुट्टा डिवीज़न में हम बन्नागुड़ा पुलिस स्टेशन एंड चंद्रयान गुट्टा पुलिस स्टेशन के स्टाफ और सीएपीएफ सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स तकरीबन 100 मेंबर्स 100 मेंबर्स मिलकर आज चंद्रयानगुट्टा पुलिस स्टेशन से लेकर बारकस एरिया और पीली दरगाह और केशवगिरी तकरीबन 4 किलोमीटर हम आज फ्लैग मार्च कंडक्ट किए हैं। इस फ्लैग मार्च का मकसद ये है कि आम पब्लिक में पुलिस फ्लैग मार्च करने से आम पब्लिक को उनके जान और माल के हिफाजत के लिए हिम्मत व अफजाई देने के लिए हम फ्लैग मार्च किए हैं और खुसूसन आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शंस में इलेक्शंस को नज़र में रखते हुए हर आदमी हर जो वोट अपना इस्तेमाल करने के लिए हम पुलिस कोई भी इन्फ्लुएंस के बगैर और किसी भी दबाव के बगैर वो अपना वोट का इस्तेमाल फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट करने के लिए हम पुलिस उनके साथ में हैं बोलकर उनको हिम्मत व अफजाई करने के लिए हम आज फ्लैग मार्च कंडक्ट किए। आज हमारे हैदराबाद शहर के कोतवाल साहब श्री कोतकोटा श्रीनिवास रेड्डी आईपीएस और साउथ ईस्ट जोन डीसीपी मैडम जानकी आईपीएस और हमारे एडिशनल डीसीपी स्वामी के आदेश के अनुसार आज बन्नागुड़ा और चंद्रयानगुट्टा पुलिस स्टेशन के विविध प्रदेशों में हमारे चंद्रयानगुट्टा एसीपी मनोज कुमार के लीडरशिप के अंडर बन्नागुड़ा इंस्पेक्टर साहब शाकिर साहब और डीआई सत्यनारायण साहब और हमारे चंद्रयानगुट्टा डीआई सत्यनारायण साहब एसआई बन्नागुड़ा एसआई एंड सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के साथ हमारे पब्लिक की सुरक्षा और शांति को दृष्टि में रखते हुए ये बात को कायम रखने के लिए आज हमारे फोर्स के साथ बारकास बन्नागुड़ा और चंद्रयानगुट्टा लिमिट्स में फ्लैग मार्च किया गया है। आने वाले लोकसभा इलेक्शन को दृष्टि में ध्यान में रखते हुए ये फ्लैग मार्च किया गया है।